भैया मैंने सुना है दिल्ली का सबसे सस्ता चिकन खिला रहे हैं। जी हाँ, मेरे को लगता तो नहीं है, सच में ये सच है? सच है, आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ। सही है, तो हम देखने वाले हैं मेकिंग दिल्ली के सबसे सस्ते चिकन की। अभी तेल भी यूज लोकल नहीं करता हूँ, धारा या फॉर्चून का करता हूँ। क्या बात है, सरसों के तेल में बनाया जाता है चिकन? जी हाँ, कच्ची गाने मसाला जा रहा है, तीख पत्ता मिर्चा और खड़े जीरा। क्या बात है, खड़े मसालों से बनेगा ये चिकन, तैयार होगा आपके सामने ही होगा। ये प्याज कितने हैं भैया? 7 किलो प्याज है। 7 किलो प्याज हैं ये आपके सामने जो भैया तैयार कर रहे हैं। और चिकन कितना होने वाला है इसके अंदर फिर? 6 किलो 6 केजी चिकन बनेगा, 7 किलो प्याज में। वो हो, क्या बात है, सरसों के तेल में खड़े मसालों वाला चिकन तैयार हो रहा है और वो भी मात्र 70 रुपए में। लेट्स सी बाकी आगे प्रोसेस क्या होता है। और भैया ये जो नाम रखा है आपने कार्ड का, चाचा भतीजा, इसका क्या राज है? वही जो चाचा है वही भतीजा है। अच्छा, और जो भतीजा वही चाचा है? क्या बात है, कुछ तो सोच के रखा होगा इसका नाम। तो गोविंदा का फैन है। अच्छा, तो गोविंदा के डायलॉग सुने थे इसलिए रख दिए। स्वाद और अनुसार नमक। अच्छा, तो ये आ गया नमक, अंदाजे से डाल देते हो नमक? जी, फिर लहसुन पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट, लोकल कुछ भी यूज नहीं हो रहा है इसके अंदर और मसाले से लेके। तो लेकिन फिर अगर लोकल कुछ यूज नहीं कर रहे तो इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? बचता तो कुछ होगा नहीं आपको? नहीं, हमको ज्यादा नहीं कमाना है। ज्यादा नहीं कमाना है? नहीं। ओहो, पहला बंदा देखा है मैंने जिसे ज्यादा नहीं कमाना है। तो ज्यादा क्यों नहीं कमाना है, सब तो लगे पड़े हैं लाइन में। आप स्टूडेंट रहते हैं ना, सब स्टूडेंट एक जैसा थोड़ी रहते हैं, हमको सबको खिलाना है, रिक्शा वाला को खिलाना है और फॉर्चूनर वाला को भी खिलाना है। तो ये आ गया है 6 केजी चिकन, 6 किलो चिकन। पीसी हुई जी। ये क्या है? काली मिर्च। काली मिर्च तो ज्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाते। धनिया, सूखा धनिया जी, धनिया पाउडर भी आ गया इसमें। तो अगर भैया किसी के पास 70 रुपए में ना हो तो भी खिला देंगे? खिला, एक पीस भी खिला देंगे? एक पीस भी खिला देते हैं। बहुत बड़ा दिल है भैया का। जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, ये घर जो मसाले भैया ने डाले ना, ये नॉर्मली मसाले हैं जो हमारी किचन में मिल जाते हैं। ऐसा कुछ स्पेशल मसाला तो नहीं डाला आपने अभी? नहीं, स्पेशल मसाला मेरे पास थोड़ी है। अच्छा। वो लोग बोलते हैं जो मेरे दादा के मसाला है, पर दादा के मसाले है, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, सब झूठी बात है, हाथ का कमाल है सारा जी। भैया खुशबू भी बहुत तगड़ी आ रही है और रंगत का तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो कितना टाइम और लगने वाला है इसको? 10-15 मिनट और लगेगा। इसमें कुछ कलर के लिए भी आपने कुछ नहीं डाला है ना? नहीं, कलर के लिए ये नेचुरल कलर है जो आ रहा है मसालों के बाद। ओरिजिनल मसाले में कुछ कलर आ जाते हैं, कुछ भी कलर आ जाता है, कलर की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। ध्यान से अगर आप देखें ना, ओहो कैसे उबल रही है, गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है इसकी करी है और लोगों ने आना भी शुरू कर दिया। प्याज कहीं गिरा भी रहता है, टमाटर वमाटर ये सब कुछ नहीं डालते? हाँ, अभी हमने टमाटर नहीं डाला इसमें, सही कह रहे हो आप। लोकेशन बता दो एक बार, कहाँ लगाते हो आप? बत्रा सिनेमा के बगल में, नियर में सफल डेयरी। अच्छा जी, एमसीडी पार्किंग, एमसीडी पार्किंग में लगता है कार्ड। हो गया तैयार भैया? हाँ जी। क्या बात है, तो भैया देने वाले हैं हमें पीस 3 इसके अंदर से। तो देखते हैं, एक तो ये छोटा पीस आ गया। ये एक और पीस आ गया और लेग पीस देंगे आप? में लेग पीस आता है जी। और ये आ गया थोड़ा सा मसाला। तो खाएंगे किसके साथ हम? रोटी, रोटी दिखा दो, रोटी। अच्छा, रोटी भी है, ये हो गया। कितनी रोटी मिलेगी? अलग से रोटी 5 की एक आती है। अच्छा जी, और ये आपका 70 रुपए वाली प्लेट तैयार। क्या बात है, मेकी हम लोगों ने देख लिया और आपने भी देख लिया मेरे साथ। अब हम खाने वाले, टेस्ट करने वाले हैं चिकन। ये मैं एक बाइट लेती हूँ। क्या बात है, हल्का सा मसाला। टेस्ट बहुत बढ़िया आ रहा है। बाकी मात्र 70 रुपए में ये 3 पीस मिल रहा है आपको। इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको? चाचा भतीजा मीट वाले कार्ड पे, जो कि सफर डेयरी के जस्ट सामने हैं।
तो मेरी तरफ से ये चिकन है नंबर वन पास है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। और अगर आपको टेस्ट करने के लिए आना है तो आपको उतरना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर के और एग्जिट करना पड़ेगा गेट नंबर 2 से। ई रिक्शा करके यहाँ आएंगे तो अपने आप आपको ये प्यारा सा काट नजर आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे कर दो, और शेयर करना मत भूलना ये उन लोगों के साथ जिनको चिकन खाना बहुत पसंद है और जो स्पेशली मुखर्जी नगर रहते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खाना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। बाय।